नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। होटल गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नई वीडियो। चलो देखते हैं कैसे बनेगी नई वीडियो, जो हमारी फूड की वीडियो है। आपने नाम तो थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, तो चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रोजन भेजी चाप। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। भिगा दिया मैंने फ्रोजन भेजी चाप, गर्म पानी में भिगा लें। ये आप थोड़ी देर बॉयल भी कर सकते हैं। मैंने भिगा रखे थे और इस तरीके से इन्हें निकाल दें स्टिक से। अगर आपको देर ना हो रही हो तो 15 मिनट के लिए भिगा दें, और देर हो रही हो तो थोड़ा हल्का बॉयल कर दें, ये निकल जाएंगे। फिर इस तरीके से काट लें इनको। ये मैंने सारे काट लिए हैं। अब डाल दिए नमक, वाइट पेपर, हल्का सा चिल्ली सॉस, मिला लें इनको ढंग से, मैरिनेशन कर लें इनका। हल्का सा मैदा, हल्का सा अरारोट, हल्का सा पानी डाल के इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये हो गया है। हल्का सा फूड कलर डाल लें, कलर के लिए हल्का सा फूड कलर डाल दें। ये हो गया है, मिक्स कर लिया मैंने अच्छे तरीके से। अब इनको फ्राई कर लेंगे। ये मीडियम आंच में डालें इसको फ्राई करने के लिए। मैंने कढ़ाई पहले से ही चढ़ा रखी थी, तेल गर्म है मेरा। अब इनको बीच बीच में चलाते रहें जब तक क्रिस्पी ना हो, तब तक इनको सिकने दें। ये देख लीजिए, ये क्रिस्पी हो गए हैं, मीडियम आंच में क्रिस्पी करने हैं। अब मैंने दूसरे तरफ से दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है यहाँ पे इनका सॉस बनाने के लिए। ये डाल दिया मैंने तेल, गार्लिक, हल्का सा अदरक, ये है डाइस ऑनियन और कैप्सिकम, शिमला मिर्च, प्याज। ये चिल्ली सॉस है, नमक, अजिनोमोटो, टमाटो केचप, विनेगर, फूड कलर, सोया सॉस, चिल्ली सॉस। इसको हल्का सा पका लें। अब इसमें डालेंगे हम ग्रीन ऑनियन है, ये डाल दिया हमने चाप जो फ्राई करी थी, हल्का सा कॉर्न स्टार्च। ये रेडी हो गया है। अब इसको प्लेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम प्लेटिंग कर रहे हैं, ये देख लीजिए। कलर देख लीजिए, कलर बहुत अच्छा आ रहा है इसका। ऊपर से ग्रीन ऑनियन की गार्निशिंग हो गई है। ये सोया चाप रेडी हो गया है, देख लीजिए, सोया चाप रेडी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और कमेंट करना ना भूलें। खुश रहो, आबाद रहो, इंडिया रहो चाहे इस्लामाबाद रहो, पर वो लाल वाला बटन है ना, वो जरूर